जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से ट्रेन में ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। मंजर कुछ ऐसा हो गया था जैसे सभी की जान कुछ देर के लिए आफत में आ गई। ट्रेन चल रही थी और गोलियों की तड़तड़ाहट भी गूंज रही थी। ये गोलीबारी किसी बदमाश ने नहीं, समाज की रक्षा करने वाले एक वर्दी वाले ने की। आपको बता दें कि ये घटना महाराष्ट्र के पालघर में चलती हुई ट्रेन में हुई। फायरिंग में एक एएसआई समेत चार लोगों की मौत हुई है। मामले में आरोपी कांस्टेबल को मीरा रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर ट्रेन में जवान चेतन और एएसआई तिलक राम के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्से में कांस्टेबल चेतन ने फायरिंग शुरू कर दी। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। घटना के बाद मृतकों के शवों को बोरीवली में उतार कर ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। फॉरेंसिक का सब सामान है इसमें, पंचनामा एक करके उसको चेक कर, कागज पत्र है, पुनः सील पैक करने से सामान है। सूत्रों के मुताबिक कांस्टेबल चेतन अपने ट्रांसफर के चलते मानसिक तनाव में था, साथ ही चेतन पारिवारिक तनाव में भी था। पश्चिमी रेलवे ने बताया कि घटना के बाद आरोपी कांस्टेबल ट्रेन से कूदकर भाग गया था, लेकिन बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया। घटना में तीन यात्री और एक एएसआई टीकाराम की मौत हुई है। फिलहाल मृतकों के परिजनों के लिए 15-15 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। दिल से हमें बहुत बुरा लग रहा है। ये एक आरपीएफ के कांस्टेबल और एक आरपीएफ के एएसआई और तीन पैसेंजर्स या तीन लोगों को गोलियां लगी हैं। इसमें जो आरपीएफ के कांस्टेबल ने तो सरेंडर कर दिया है और एएसआई और तीन पैसेंजर्स जो थे उनको हॉस्पिटल में अभी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन जोर शोर से जांच में जुट गया है। आरोपी कांस्टेबल से लगातार पूछताछ भी जारी है, लेकिन अहम सवाल ये भी है कि अगर कांस्टेबल की मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो उसकी ड्यूटी क्यों लगाई गई थी और उसकी ड्यूटी किसने लगाई थी।